हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने छोटे से कपड़े से कितना ही सुंदर सा ये हैंड पर्स बनाया है। इस पर्स को बनाना बहुत आसान है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गया है। और इसका जो फैब्रिक है वो पार्टी वियर फैब्रिक है, ये देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए इस हैंड पर्स को बनाना शुरू करते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी कपड़ा पड़ा हुआ है तो आज हम इसमें से बहुत ही सुंदर सा बैग बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे हम पार्टी वियर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक ले लिया है, ये आधे मीटर से भी कम फैब्रिक है। तो ये देखिए, आधे मीटर से भी कम फैब्रिक है। तो आज हम इसे हैंड पर्स बनाएंगे, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर होगा और बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगेगा। तो यहाँ पर जितना भी बड़ा आपको फैब्रिक लेना है उस हिसाब से ले सकते हैं। मुझे जितना बड़ा चौड़ा लेना था उस हिसाब से मैंने ले लिया है। तो अब मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो इसकी विड्थ है वो है 9 इंचेस, और जो इसकी लेंथ है वो है 12.5। 9 बाई 12.5 का हमने इसे ले लिया है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये फोल्ड में है, ये देखिए इस तरीके से फोल्ड में है। तो अब हम इसके लिए लाइनिंग के लिए ले लेते हैं। तो लाइनिंग के लिए मैं यहाँ पर बेड शीट में से लूंगी, आप किसी में से भी ले सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो मैं यहाँ पर इसे बेड शीट से ले रही हूँ, आप किसी और से भी ले सकते हैं। मेरे पास बेड शीट का कपड़ा था, वो वेस्ट पड़ा हुआ है, इसलिए मैं बेड शीट से ले लेती हूँ। वेस्ट पड़े हुए कपड़ों से ही हम बना रहे हैं, क्योंकि बाहर का फैब्रिक हमें दिखता है, अंदर का फैब्रिक नहीं दिखता है। दोनों के साथ मैंने इसे ले लिया है, तो इसी के उससे मैंने फॉर्म भी ले लिया है। तो अब हम पहले मेन फैब्रिक को लेंगे, तो इसे उल्टा रख लेंगे, उल्टा अपने हिसाब से, जिस साइड से सीधा होगा उस साइड से सीधा लेंगे, और जिस साइड से उल्टा होगा उस साइड से उल्टा ले लेंगे। तो अब हम लेंगे इसके ऊपर फॉर्म, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा वो बाद में कट जाएगा। अब हम इसके ऊपर लेंगे लाइनिंग का, जो हमने बेडशीट से कट किया है उसे। अब हम इसे क्विल्ट करेंगे। तो क्विल्ट करने के लिए हम इस पर पहले सीधी सीधी सिलाइयां लगाएंगे, फिर चेक में लगाएंगे। आप चाहे तो ऐसे ही रख सकते हैं बिना क्विल्ट किए हुए। तो पहले मैं इस पर 3 से 4 इस तरीके से सिलाइयां लगा लेती हूँ, उसके बाद इस तरीके से, तो मैं इसे सिल लेती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने कपड़े को क्विल्ट कर लिया है। तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है इस तरह से करने से। तो अब हम इसमें कुछ पॉकेट बना लेंगे अंदर की साइड में। तो उसके लिए हम ले लेंगे कैरी बैग। अगर आपके पास कैरी बैग ना हो तो आप कोई कपड़ा भी ले सकते हैं, बट कैरी बैग सभी के यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो यहाँ से हम पहले ऊपर से इसे कट कर देंगे। इस तरीके से अब हम इसे साइड से कट कर लेंगे, इसी के नाप से कट कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम इसे लेंगे, तो यहाँ पर हम इसे रखेंगे कैरी बैग को इस तरीके से, और इसे हम अंदर की साइड में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो इसे हमें यहीं तक रखना है,
इस तरीके से। अब हम यहाँ पर पहले हम इसका सेंटर देख लेते हैं, इसका सेंटर है वो कहाँ पर है। तो पहले हम इसका सेंटर देख लेते हैं कि हमें इसका कितनी जिप बनानी है उस तरीके से। तो यहाँ पर इसका सेंटर है इस तरह से। तो ये देखिए दोनों सेंटर हमारे एक यहाँ पर है, तो एक यहाँ पर है इस तरह से। तो आपको जितनी पॉकेट बनानी है इसमें उस हिसाब से आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे इतना। तो जो ये कैरी बैग है वो अंदर की साइड में रहेगा इस तरीके से। आप इस कैरी बैग को अपने हिसाब से थोड़ा सा बड़ा भी ले सकते हैं, और इस पर हम यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं। बट इस तरह से फोल्ड होगा तो वो तो एक पॉकेट ही बनेगा, तो आपको सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो एक सिलाई यहाँ पर भी लगा सकते हैं, बट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इस कैरी बैग को यहाँ पर ऐसे ही छोड़ेंगे। अब हम यहाँ पर आलपिन का यूज कर लेंगे, जिससे ये हमारा यहीं की यहीं रहे, हमें पता भी रहे कि कहाँ पर हमारा सेंटर है। इस तरीके से यहाँ पर आलपिन लगा दी है। तो अब हम इसे लेंगे इस तरीके से। तो अब हम इसमें कुछ प्लेट्स लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हम दो पॉकेट बना लेंगे, एक पॉकेट हम इस तरीके से इसमें ये इस तरह से करते हुए लगा लेंगे, और जो एक्स्ट्रा है उसे हम यहाँ से कट कर देते हैं पहले। और इसे हम अंदर की साइड में फोल्ड कर देंगे जिस तरीके से वो था उसी तरीके से। तो ये देखिए हमारी यहाँ पर दो पॉकेट बन चुकी हैं इस तरह से, ये देखिए। तो एक पॉकेट हमारी ये रहेगी, इसमें आप चाहे पार्टीशन भी कर सकते हैं इस तरीके से, और एक पॉकेट हमारी इस तरीके से अंदर की साइड में रहेगी। तो यहाँ पर भी हम आलपिन लगा सकते हैं। आपको जितनी बड़ी पॉकेट बनानी है उस हिसाब से आप ले सकते हैं इस तरीके से। मैंने इसे कर लिया है और आलपिन भी लगा ली है, ये देखिए इस तरह से। तो अब हमें क्या करना है कि एक हम इस तरीके से सीधी इस पर सिलाई लगा लेंगे, और एक सिलाई हम यहाँ पर लगा लेंगे, इस पर सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक सिलाई इस साइड से लगा लेती हूँ और एक सिलाई मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ। तो इसे सिल लेती हूँ। तो ये देखिए इसे मैंने इस तरीके से सिल लिया है, और इसे बीच से भी सिल लिया है जिससे ये यहीं तक रहे। और ये देखिए ये वाली पॉकेट हमारी कितनी ही लेंथी है, यानी कि बहुत ही बड़ी है इस तरीके से, और ये हमारी पॉकेट बनकर तैयार हो गई हैं। तो अब हम इसमें जिप लगा लेते हैं यहाँ पर। तो आप चाहे पहले सिलाई कर लें उसके बाद जिप लगा लें यहाँ से। तो मैं यहाँ पर पहले जिप लगा रही हूँ। तो जिप लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ये ब्लैक कलर की जिप ले ली है। जिप को इस तरीके से रखूंगी इस तरह से, और इसे मैं इस तरह से रखते हुए इसे सिल लूंगी। तो यहाँ पर रखना है और इसे सिल लेना है। इसी तरीके से दूसरी साइड से रखना है। पहले मैं इस साइड से रख रही हूँ, फिर इसे सिल लेती हूँ। तो ये देखिए जिप को मैंने इस तरीके से सिल लिया है। तो अब हम इस पर एक सिलाई इस तरह से लगा लेंगे, रनिंग वाली, यानी कि इस तरह से। तो इसे हमें अंदर की साइड में करना है और इस पर सिलाई लगानी है। तो अब हम दूसरी साइड से सिलेंगे। तो दूसरी साइड से सिलने के लिए हमें क्या करना है, इस जिप को हमें दूसरी साइड से इस तरीके से रखना है और इस पर सिलाई लगानी है। तो इसे भी सिल लेते हैं हम। तो
तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से सिलाई कर ली है और इस तरीके से इस साइड में भी बैठी हुई सिलाई कर ली है, यानी कि सिटिंग स्टिच कर ली है। ये देखिए इस साइड में भी कर ली है। तो अब हम इसे उल्टा कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर एक एक सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड में। तो यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे, एक सिलाई हम इस साइड में लगाएंगे। तो दोनों साइड में मैं सिल लेती हूँ इसे। तो ये देखिए इस पर मैंने सिलाई कर ली है। तो अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा बहुत ही यूजफुल सा, ये देखिए कितनी ही बड़ी पॉकेट है ये, और इसमें एक पॉकेट और है, इसमें आप पार्टीशन भी कर सकते हैं। और इस तरीके से एक और बड़ी पॉकेट है इस तरीके से, और इसमें काफ़ी बड़ा स्पेस है। और इस तरह से जिप बंद करके आप इसे काफ़ी बड़ा सा हैंड पर्स के रूप में इस बैग को आप यूज कर सकते हैं, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो आपने देखा होगा इस पर्स को बनाना कितना आसान है, बहुत आसान तरीके से ये पर्स बनकर तैयार हो गया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।